नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय सूर्यवंशी है और आज हम दिल्ली सरकार के बारे में बात करते हैं, वो भी केजरीवाल के बारे में। आपने जिता दिया ना केजरीवाल को, अब तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपको बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, स्कूल की फीस माफ़ हो गई, बस का किराया फ्री मिलेगा और पता नहीं ना जाने कि आपको क्या क्या फ्री मिल रहा होगा। लेकिन सिर्फ दिल्ली की जनता को मिल रहा होगा ना, पूरे देशवासियों को तो नहीं मिल रहा ना। हम भी तो उसी देश में रहते ना, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, तो हमको भी तो फ्री मिलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि अब दिल्ली का सीएम जीत गया तो दिल्ली के लोगों को फ्री मिलेगा और हमको कुछ नहीं मिलेगा। हम भी तो उसी देश के वासी हैं ना, तो हमको भी फ्री मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, सबको फ्री के खाने की आदत पड़ जाएगी और बाद में कोई काम करने नहीं जाएगा और देश की इकोनॉमी नीचे गिरती चली जाएगी। जैसे अभी लोगों का कंप्लेन है कि अभी देश की इकोनॉमी बहुत नीचे गिर चुकी है, लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। देश की इकोनॉमी नहीं गिरी है। आप काम नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? आपको काम करना पड़ेगा और तभी पैसे आएंगे। लोग क्या चाहते हैं कि काम भी ना करें और पैसे आते जाएं, जैसे कि कांग्रेस के ज़माने में हो रहा था, धोखाधड़ी हो रही थी, ब्लैक मनी से लोग पैसे कमा रहे थे, झोल झपाटे चल रहे थे। अब वो झोल झपाटे बंद कर दिए क्योंकि मोदी सरकार ने लोगों के झोल झपाटे बंद कर दिए, पैसे आना बंद हो गए, तो लोगों की हालत ख़राब हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रहा। मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया, जैसे कि हम बचपन से सुनते चले आ रहे थे तीन तलाक के बारे में, वो तीन तलाक को उन्होंने उसमें सुधार किया और मुस्लिम औरतों को उसमें सहायता मिली। दूसरी बात है कश्मीर में 370 उन्होंने ख़त्म किया जिससे वहाँ की जनता को आराम मिला। दूसरी बात है उन्होंने स्ट्राइक किए, सर्जिकल स्ट्राइक किए जिसकी वजह से आतंकवादी आ जाना बंद हो गए। आज आपने कभी सुना है हिंदुस्तान में कभी बम फूटा? ये तो पहले क्या था, आए दिन बम धमाके होते थे, कभी बॉम्बे में, कभी ट्रेन में, कभी बस में, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, मतलब हर स्टेट में अलग अलग जगह बम धमाके होते थे, आतंकवादी आ जाते थे। आज आतंकवादी आना बंद हो गए। तो आपको क्या लगता है मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही? बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको लग नहीं रहा ऐसा, लेकिन मोदी सरकार ने ही सब कुछ किया है और उनकी वजह से ही आज अरविंद केजरीवाल भी वहाँ बैठे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल की अपनी कोई सरकार है? वो भी तो केंद्र सरकार के भरोसे ही चलने वाले हैं ना। आज वो अगर कोई चीज़ माफ़ कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, तो वो किसकी बदौलत कर रहे हैं? वो भी तो केंद्र सरकार से ही होगा ना। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कलम चला दी और उनका काम हो गया, वो भी तो ऊपर से ऑर्डर लेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि मतलब अपनी कलम चला दी और उनका काम हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपने केजरीवाल को जिताया है और सब कुछ फ्री, बिल्कुल गलत है। फ्री में खाने की आदत मत डालो। सबको मुफ्तखोरी की सरकार चाहते थे ना, आप लोग को लगता था कि मुफ्तखोरी की सरकार आ जाए और हमारा काम हो जाएगा, सबको फ्री में। फिर हम चाहते हैं कि हर पूरी दुनिया फ्री चलने लगे, तो फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा? मेरा मतलब है कि हमने जो केजरीवाल को जिताया, कहीं हद तक, कुछ हद तक हम लोग गलत हैं, हमने गलत जगह चुनाव डाला है, गलत जगह वोट डाला है, हमने गलत आदमी को चुन लिया है। मैं नहीं कहता हूँ कि हमने गलत आदमी को चुना है, लेकिन हमारा जो प्लान था मुफ्तखोरी के हिसाब से हमने उनको वोट डाल दिया, जबकि हमको किसी बीजेपी, अगर आज बीजेपी आती तो शायद कुछ और अलग होता, कुछ और सुधार होते और कुछ और ही बात अलग होती। लेकिन मैं इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल को जिताया आपने, अच्छा लगा, लेकिन हम देखना चाहते कि आपको कितने दिन तक फ्री देते हैं और कितने दिन तक आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, ये हम आगे चल के देखेंगे। आगे आगे देखते हैं, आगे होता क्या है, समय आएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो, मैंने इस वीडियो बनाने के लिए मैंने आपसे परमिशन मांगी थी और मैंने ये वीडियो बनाया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।